प्रति शोध की भावना से केंद्र सरकार काम कर रही है और तमाम विपक्ष के नेताओं की छवि को धूमिल करने का हर प्रयास किया जा रहा है। जांच से कोई डरता नहीं है, लेकिन जानबूझ के चुनाव से पहले कांग्रेस और बाकी विपक्षी नेताओं को जो टारगेट किया जा रहा है, मैं समझता हूँ वो सरासर गलत है और जनता सारी बातों को समझती है। आज जो नागपुर में स्थापना दिवस पर आयोजन हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं संघनाद हो गया, लोकसभा कह सकते हैं सर? हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। इंडिया अलायंस, कांग्रेस पार्टी और नागपुर से जो आज लाखों लाख लोग यहाँ पर आए थे, इस बात का संकेत है कि केंद्र सरकार के खिलाफ जनमानस में अपना मन लोग बना चुके हैं, कांग्रेस के साथ हैं, मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे और पूरे देश भर में हमारी इंडिया अलायंस का जो गठजोड़ है वो एनडीए को पराजित करेगा, हम लोग सरकार बनाएंगे। 139वें स्थापना दिवस पर जो आयोजन हुआ है, महारैली का आयोजन हुआ है, क्या कहेंगे आप? सम्मिलित हुए थे, कितना लोकसभा के लिए तैयार है और नागपुर ही क्यों चुना? आज देश का जो 138 साल का कांग्रेस का जो इतिहास है उसने देश को आजादी दिलाई, देश को के उन्नति में अपने प्राणों के निछावर हमारे नेताओं ने किया, देश के संविधान को बनाने वाले देश के संविधान की रक्षा करने का दायित्व भी उठाएंगे। ये संकल्प आज इस 139वें स्थापना दिवस पर हर कांग्रेस ने लिया, हर कांग्रेसी ने लिया। मैं मानता हूं कि ये देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, ऐतिहासिक क्षण है कि कांग्रेस पार्टी ने आज नागपुर बाबा साहब अम्बेडकर की उस धरती से, जिस धरती पर संविधान के रचयिता का एक अपना एक इतिहास है, वहां से संकल्प लिया है कि हम आने वाले समय में देश का, हिंदुस्तान का भविष्य संवारना और लोकतंत्र को बचाना, दोनों संकल्प लेते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में ये चार्जशीट में आए सर, ईडी वाले प्रियंका सर, भूपेश बघेल साथ दिया गया प्रियंका गांधी का नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में सर, प्रियंका गांधी का चार्जशीट में आया सर, क्या कहेंगे? ईडी की चार्जशीट का नाम आया गया सर, सर आज एकजुटता का संदेश दिया गया, कहीं ना कहीं क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की बुनियाद में एकजुटता है। हमने आजादी से पहले अंग्रेजों के खिलाफ देश को एकजुट किया और इस समय जो माहौल चल रहा है, जिस तरह उद्योगपतियों की सरकार है, आम आदमी की पूछ नहीं है, ऐसे में हम देश को एक बार फिर से एकजुट करेंगे, नफरत कम करेंगे, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। प्रियंका गांधी की मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में चार्जशीट में नाम आ गया है, जब चुनाव नजदीक आएगा तो सरकार इस तरह से राहुल जी को 54 घंटे बुला के पूछताछ, सोनिया जी से पूछताछ, उन्हें पता है कि कांग्रेस को डराने की कोशिश, लेकिन कांग्रेस डरेगी नहीं। राहुल जी का नारा है डरो मत। आयोजन सफल रहा, एक संदेश भी दिया एकजुटता का, और तो गाड़ी में लोकसभा चुनाव हो रहा है, उसकी तैयारियों को बिल्कुल भी बच चुका है, चुनाव को लेकर आगाज हो गया है। यह बिल्कुल इस नागपुर के ऐतिहासिक भूमि से कांग्रेस पार्टी का चुनाव का बिगुल बजा है। हमको विश्वास है कि महाराष्ट्र का धरती से ये बिगुल जो हुआ है उसका असर पूरे देश में होगा और कांग्रेस के नेतृत्व में जो इंडिया अलायंस होगा वो सरकार बनेंगे केंद्र में, और मोदी को हटाने का सारे लोग मिलकर वो काम पूरा करेंगे। प्रियंका गांधी जी जो है चार्जशीट में उनका नाम आ गया, अरे इस देश में सारे कांग्रेस जनों के ऊपर डीवीडी और सीबीआई की है, इससे हम लोग डरने वाले नहीं।